Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. We are on the official Twitter handle of Mr. Uday Samant. He is the Education Minister of Maharashtra Board. So I'll first read the tweet and then explain what it is saying. Rajyat musaladhar pausamule nirman jhalili झालेली स्थिती पाहता जे विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांची MHCET व इतर अभ्यासक्रमांची क्रमांकाची CET परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार आहे. परीक्षेपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नसून संबंधित विद्यार्थ्यांना काळजी करू नये. सो व्हॉट इट इज ट्राइंग टू से की महाराष्ट्र स्टेट में बहुत जम के बारिश हुई रिसेंटली, तो उससे रिलेटेड जो कोई भी लोग एग्जाम दे नहीं पाए उनके लिए CET की एग्जाम फिर से कंडक्ट होने वाली है. अभी CET की एग्जाम फिर से कंडक्ट होने वाली है तो क्लियरली MBA CET ऐसा बोला नहीं है, बट CET की एग्जाम फिर से कंडक्ट होने वाली है. तो अभी अपने MBA CET के लिए है कि नहीं है ये मैं चेक करने गया अपने DTE के और वेबसाइट पे, CET सेल के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे तो मेरे को कुछ दिखा नहीं. ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे को एक ये चीज दिखी फॉर री एग्जाम ऑफ एबसेंट कैंडिडेट्स फॉर PCM ग्रुप. अगेन MBA CET का कुछ नहीं है यहाँ पे. और फिर रिजल्ट्स आ चुके हैं MCA MRHN MHM CET के, तो MBA CET से रिलेटेड कुछ नहीं है. फिर मैं इस इधर क्लिक किया MBA CET के, इसमें यहाँ पे भी कुछ आया नहीं है कि री एग्जाम के बारे में कुछ अभी तक तो आया नहीं है. देन आई वेंट टू दी वेबसाइट ऑफ करियर 360. अभी करियर 360 डंके की चोट पे कह रहे हैं महाराष्ट्र CET फॉर MBA री एग्जाम इज ऑन 9th एंड 10th अक्टूबर. ठीक है, यहाँ पे टेंटेटिव भी नहीं लिखा है इन्होंने, 9th एंड 10th अक्टूबर लिखा है ऐसा डायरेक्टली. ठीक है, तो उन्होंने फिर से वही ट्वीट ये किया है, फिर से वही ट्वीट को रीट्वीट किया है यहाँ पे, मतलब मेंशन किया है. एंड फिर ऊपर लिखा है रिवाइज्ड एग्जाम डेट्स ऑन दीज ऑन 9th एंड 10th अक्टूबर, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन 20th ऑफ अक्टूबर. ये तो अपने को पता है कि 20th ऑफ अक्टूबर को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, बट रिवाइज्ड एग्जाम डेट ये 9th एंड 10th अक्टूबर ये कहां से, वेयर फ्रॉम वेयर डिड दे कम टू दिस डेट, ये मेरे को पता नहीं है. बट देन इन्होंने कहीं पे भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्होंने कहीं पे भी टेंटेटिव नहीं लिखा है, तो शायद ही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है इनके पास, अभी पता नहीं. अभी करियर 360 इट्स नॉट अ रिलायबल सोर्स, कभी 50% न्यूज इनकी सही रहती है, 50% गलत रहती है. बट अगर सही रही तो अच्छी बात है. किन के लिए? जो लोग केस फाइल कर रहे हैं. अभी देर वर फ्यू डिस्क्रिपेंसीज विद द CET एग्जाम, तो वो CET एग्जाम वाले लोग जो CET एग्जाम वाले लोग हैं वो कुछ केस वगैरह फाइल करने वाले हैं. एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर इन कनेक्ट विद अस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद देम यू कैन कनेक्ट विद अस एंड वी विल कनेक्ट यू टू दोस कैंडिडेट्स. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल कि वो प्रॉपरली केस फाइल करें. ठीक है, एंड इफ द CET इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th एंड 10th ऑफ अक्टूबर, तो फिर अपने पास अच्छा खासा टाइम रहेगा टू फाइल दैट केस एज वेल. ठीक है, गुड न्यूज फॉर दोज हु कुड नॉट अपियर एंड अपियर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ रेंज, तो अभी उनके लिए फिर से एग्जाम होने वाली है. ओके, थैंक यू सो मच. जय हिंद.